हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। अभिनेता सुशांत का हैंगआउट प्लान आपको बताते हैं, वो जगह जहां सुकून तलाशने सुशांत सिंह राजपूत हमेशा जाया करते थे, लेकिन आखिरी बार सुशांत अपने उस फार्म हाउस पर जा नहीं पाए। दरअसल फार्म हाउस में वक्त बिताने का सुशांत का ये जो सपना था ये अधूरा रह गया। एबीपी न्यूज पहुंचा लोनावला के उसी फार्म हाउस पर, दिखाते हैं आपको सुशांत के फार्म हाउस से रवि जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत का ये फार्म हाउस मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। फार्म हाउस को नजदीक से देखने जानने के लिए संवाददाता रवि जैन ने मुंबई से पुणे के लोनावाला तक का सफर तय किया। रास्ते में कई पहाड़, सड़कों के किनारे पहाड़ों से गिरता झरना और सड़क के बीच कई टनल भी मिले, जिनसे गुजरते हुए हमारी टीम लोनावाला के इस हैंग आउट विला तक पहुंची। पावना झील से सटे इस विला के चारों ओर सिर्फ हरियाली है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों के बीच झील भी मौजूद है। सुशांत जब कभी परेशान होते या दिमागी तौर पर सुकून पाना चाहते थे तो लोनावाला के इसी हैंग आउट विला नाम के फार्म हाउस में पहुंचते थे, जिसे उन्होंने किराए पर ले रखा था। प्रकृति के सुंदर नजारों, पहाड़ों के बीच बने इस फार्म हाउस में सुशांत कई दिन गुजारते थे। फार्म हाउस में सुशांत कभी अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ, कभी अपने करीबी दोस्तों के साथ पहुंच जाया करते थे। सुशांत कभी महीने में 3-4 बार तो कभी हफ्ते में 2 बार भी इस फार्म हाउस में आते थे। 2.25 एकड़ जमीन पर तैयार इस बेहद खूबसूरत फार्म हाउस में हर सुख सुविधा मौजूद है। चारों ओर खूबसूरत नजारा है। तरह तरह की सब्जियां उगाने और फार्मिंग के लिए बड़ा सा गार्डन है। हरियाली से भरे गार्डन में 2 जगहों पर झूला लगा है। इमारत के नीचे पार्किंग के लिए बड़ा इलाका है। एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। अब इस फार्म हाउस के भीतर का हिस्सा देखिए। बेडरूम के भीतर से भी पहाड़ और झीलों का सुंदर नजारा दिखता है। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था, लिहाजा यहां भी उनकी पसंदीदा किताबों की छोटी लाइब्रेरी दिखी। फार्म हाउस में बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम था, खेल मनोरंजन के लिए स्नूकर पूल भी। सुशांत को साइंस से बड़ा लगाव था, वो इंजीनियर थे। दीवारों पर सुशांत की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। उनमें भी उनका ये शौक नजर आता है। सुशांत की तस्वीरों के बैकग्राउंड में रॉकेट और स्पेस एयरक्राफ्ट दिखते हैं। साइंस में उनकी दिलचस्पी से सभी वाकिफ हुए जब उनकी ये तस्वीरें लोगों ने देखी। उन्होंने अपने पैसे से टेलीस्कोप खरीद कर घर में लगाया था। वो चांद तारों की दुनिया के रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। बेहद कम उम्र में सुशांत आज उन्हीं सितारों की दुनिया में पहुंच गए हैं, लेकिन उनका यह शौक इस हैंग आउट विला फार्म हाउस के भीतर भी दिखता है, जहां टेबल पर स्पेस एयरक्राफ्ट, रॉकेट, एस्ट्रोनॉट की रेप्लिका सजी थी। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, जो कम उम्र में ही उन्हें छोड़कर चली गईं। फार्म हाउस के कमरे में सुशांत ने अपनी दिवंगत मां की फ्रेम की हुई एक तस्वीर भी लगा रखी थी। यहां पहुंचने के बाद एबीपी न्यूज को इस बात की जानकारी भी मिली कि सुशांत की मौत के बाद 3 जुलाई को मुंबई में रहने वाले उनकी बहन मीतू ने फार्म हाउस में रखी सुशांत की तमाम चीजों को लेकर मुंबई चली गई।
लेकिन यहाँ ये तीन डॉगी अब भी मौजूद है जो सुशांत के बेहद करीब थे। सुशांत सिंह राजपूत को इनसे बेहद लगाव था। किराए के अपने फार्म हाउस में सुशांत ने इन तीनों को पाल रखा था। पहले इनका नाम ईना, मीना और डीका था, लेकिन सुशांत ने इन तीनों का नाम बदल दिया और इनके नाम अमर, अकबर और एंथोनी रख दिए। क्रिकेट से सुशांत का प्रेम भी जग जाहिर है। महेंद्र सिंह धोनी फिल्म के दौरान उन्होंने क्रिकेट की कई बारीकियों को भी सीखा। सुशांत जब इस फार्म हाउस में आते तब यहाँ भी उन्हें फार्मिंग, बोटिंग और क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। यहाँ आकर सुशांत को सुकून महसूस होता। अपने दोस्तों के साथ वो झील के बीच मौजूद टापू पर जाया करते थे। वो जब भी यहाँ आते तो बोटिंग, पिकनिक करना, आइलैंड पे जाना, जैसे पानी के बीचों बीच एक आइलैंड है वहाँ पे जाना, और जैसे क्रिकेट वगैरह तो आपने देखा है कि बहुत से वीडियो अभी वायरल भी हुए कि क्रिकेट भी खेलते हुए दिखाए है, और पूल टेबल वगैरह खेलते थे, और बाकी ऐसी पिकनिक वगैरह जो पार्टी वगैरह जो होते थे दोस्तों के साथ में हमेशा आना होता था उनका, और जैसे स्टाफ है जैसे हम लोग के साथ में एकदम क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे। फार्म हाउस के मैनेजर रह चुके रईस के मुताबिक 2019 में पुणे में चल रही फिल्म छिछोरे की शूटिंग खत्म होने के बाद भी उन्होंने फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को इस फार्म हाउस पर आमंत्रित किया था, जिसमें फिल्म की हीरोइन श्रद्धा कपूर भी शामिल थी। हैंगआउट विला नाम के इस गेस्ट हाउस को सुशांत ने जून 2018 में पहली बार किराए पर लिया था। सुशांत हर महीने इस फार्म हाउस का 2 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाते थे। मई 2020 में उनका करार खत्म हो गया। लॉकडाउन से पहले सुशांत ने यहाँ 2-3 महीने गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उनका फोन आता है, सैम्यूल का फोन आया, सैम्यूल मिरिंडा का कॉल आता है कि भाई उनका कैंसिल हो गया है, वो जो आने का जो प्लानिंग था वो कुछ आ नहीं रहे, मतलब उनका वहाँ भी जो तैयारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया। 2 जून 2019 यानी रिया के जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद फार्म हाउस में शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा की स्थापना की गई थी और उसी से जुड़ी यहां पूजा हुई थी। इसमें सुशांत, रिया और रिया के परिवार वाले भी शामिल हुए थे। फार्म हाउस के मैनेजर रह चुके रईस ने बताया कि एक बार रिया ने उनसे कहा था कि फार्म हाउस में स्थापित मूर्ति की हफ्ते में एक बार पूजा होनी चाहिए, और तब से हर हफ्ते यहाँ शिव की मूर्ति की पूजा होने लगी। 2019 में एक बर्थडे उनका यहाँ पे हुआ, एक बर्थडे पार्टी। अच्छा, तो उस बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था, रिया के अलावा, सुशांत के अलावा और कौन कौन था? सुशांत सर थे, उनके साथ में ये रिया का मम्मी डैडी था, उनके भाई थे शौमिक, हाँ, और उनके भाई के साथ में और कोई लेडी थी, गर्लफ्रेंड थी शायद, और बाकी तो सब हम लोग का स्टाफ मेंबर था। रईस बताते हैं कि आखिरी बार सुशांत फार्म हाउस पर फरवरी 2020 में आए थे, लेकिन उस वक्त रिया उनके साथ नहीं आई थी। उनके स्टाफ में दीपेश, केशव, धीरज और सिद्धार्थ पिठानी ही थे। सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ जनवरी महीने में यहां पहुंचे और वो आखिरी बार था जब दोनों यहां साथ पहुंचे थे। तो लास्ट ईयर में जो मूर्ति की स्थापना की पूजा हुई, उसके बाद में हर सोमवार को शिव जी की पूजा होती थी और दिया जलता था, बस उतना ही। ऐसा यहाँ कोई काला जादू टोना या ब्लैक मैजिक का ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। रईस ने कहा कि सुशांत इस फार्म हाउस को खरीदना भी चाहते थे, लेकिन वो क्यों नहीं खरीद पाए इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुणे के लोनावाला से संवाददाता रवि जैन की रिपोर्ट।